दोस्तों हरियाणा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल की ऑफलाइन या फिर मैनुअल काउंसलिंग कब होगी? डिप्लोमा इंजन लेटर एंट्री बेस पर। आप सभी स्टूडेंट को पता है कि आपकी ऑनलाइन दो ही काउंसलिंग हुई है। फर्स्ट काउंसलिंग आपकी 24 जून 2024 को हुई है और सेकंड काउंसलिंग आपकी 3 जुलाई 2024 को हुई है। और जो आपकी सेकंड काउंसलिंग हुई थी उसकी जो एंड डेट है, यानी कि जिन भी स्टूडेंट ने अप्लाई किया था ऑनलाइन यानी काउंसलिंग करवाई थी, उसका जो सेकंड काउंसलिंग का एंड टाइम था, रिपोर्टिंग टाइम, वो 11 जुलाई 2024 है, जो कि अभी तक नहीं आई है। तो आप सोच रहे हो कि आपका ऑनलाइन काउंसलिंग में नंबर नहीं पड़ा, यानी कि आपको कॉलेज नहीं मिला, आपका रैंक ज्यादा भी हो सकता है या फिर उससे कम भी हो सकता है, और आप सोच रहे हो कि अभी ऑफलाइन काउंसलिंग बाकी है जिसे आप मैनुअल काउंसलिंग बोल सकते हो, वो कब होगी? तो दोस्तों आप सभी स्टूडेंट को बताया था कि जैसे ही आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग खत्म हो जाएगी तो मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा कि आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग या फिर मैनुअल काउंसलिंग कब होगी। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे ही आपकी सेकंड काउंसलिंग खत्म होगी यानी कि 11 जुलाई 2024 को, उसके बाद आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब 12 जुलाई को आपका दिन है शुक्रवार और सैटरडे संडे को जो है पॉलिटेक्निकल कॉलेज बंद रहते हैं यानी छुट्टी रहती है, तो आपकी जो ऑफलाइन काउंसलिंग चलेगी या फिर आप मैनुअल काउंसलिंग चलेगी वो आपकी चलेगी 12 तारीख को यानी शुक्रवार को, या फिर वो मंडे को चलेगी, बीच में दो छुट्टी है। तो यहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल हैं सभी अपनी जो डेटा अनाउंस करेंगे, क्योंकि आपकी जो 11 जुलाई है सेकंड काउंसलिंग है, जो एंड डेट है रिपोर्ट टाइम, वो 11 जुलाई को है। अब वो चेक करेंगे कि कितने बच्चे यहाँ पर सीट को फिलअप कर पाए हैं। जैसे मैकेनिकल में 120 बच्चे चाहिए थे और टोटल जो बच्चे आए हैं वो 80 आए हैं, तो अभी 40 बच्चों की सीट खाली है, तो 40 बच्चों की सीट जो खाली है उस पर एडमिशन सीट के लिए ऑफलाइन काउंसलिंग या फिर मैनुअल काउंसलिंग चलाएंगे, जिसके लिए आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, यानी कि अगर आपका रैंक ज्यादा है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा और अच्छी ट्रेड आपको मिलेगी, जो कि आपकी पसंद की ट्रेड है, मैकेनिकल हो सकती है, सिविल हो सकती है, कंप्यूटर हो सकती है या फिर इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक हो सकती है। तो ये वो मौका है जो कि आपको अपने हाथ से नहीं गंवाना चाहिए। काफी स्टूडेंट को नहीं पता कि आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग भी चलती है या फिर नहीं चलती है, वो कैसे पता लगी? दोस्तों मैं आपके लिए स्पोर्ट में खड़ा हूँ, तो मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि ऑफलाइन काउंसलिंग भी चलेगी, इस साल चलती है और काफी स्टूडेंट को एडमिशन भी बड़े बड़े ज्यादा ज्यादा रैंक पे मिल जाता है। अब दोस्तों रही करेक्ट इन्फॉर्मेशन कि वो डेट क्या है, तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से आपको बताऊंगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो जल्द से जाकर आप व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। उस पर मैं आपको मैसेज के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू आपको डाल दूंगा कि किस पॉलिटेक्निकल की ऑफलाइन काउंसलिंग चल रही है और किस दिन आपको जाना होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, कोई भी ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं है, जो भी डॉक्यूमेंट मैं आपको बताऊंगा वो सभी डॉक्यूमेंट आपको उस डेट को आपको उसी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल में चले जाना है, जो मैं आपको टेक्स्ट मैसेज के थ्रू न्यूज दूंगा, अपडेट दूंगा। तो इसलिए उस टेलीग्राम चैनल को और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करना, आपके लिए काफी बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों अभी किसी भी पॉलिटेक्निकल ने अभी ये अनाउंस नहीं किया है कि उनकी फिक्स डेट क्या है ऑफलाइन काउंसलिंग की, लेकिन दोस्तों ये बात सच है कि आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग या फिर मैनुअल काउंसलिंग जरूर होगी, जो कि हर साल होती है, ये बात पक्की है। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना, अगर आपके फ्रेंड भी पॉलिटेक्निकल में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है या फिर ऑनलाइन काउंसलिंग कराई है, ताकि उनका नंबर नहीं पड़ा, इस वीडियो को देखने के बाद उनका ऑफलाइन में नंबर पड़ जाए, आपका भी भला होगा, उसका भी भला होगा, यानी कर भला हो भला। तो दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन, ताकि हम जैसे ही वीडियो को रहें आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। और दोस्तों ये मत समझना कि अगर मैं अपने फ्रेंड को बता दूंगा कभी मुझे वो कॉलेज ना मिले, मेरे फ्रेंड को मिल जाए, क्योंकि आप ये सोच रहे होंगे अगर मान ले वहां पर 40 सीट खाली हैं और बच्चे वहां पर पहुंच गए तो दोस्तों फिर तो आपका नंबर नहीं आएगा या फिर आपका रैंक के हिसाब से आपको नंबर मिलेगा, यानी कि सीट आपको मिलेगी, एडमिशन सीट, क्योंकि वहां पर भी आपका रैंक चलेगा, या फिर आपके जो डॉक्यूमेंट आप सबमिट कराओगे उसके हिसाब से वो अपना रैंक तैयार करेंगे आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से ऑफलाइन का, तो उसके हिसाब से एडमिशन मिलेगा। लेकिन सभी को ये सूचना देनी चाहिए, दोस्तों अपने फ्रेंड को भी साथ लेना चाहिए, अगर आपका उसमें एडमिशन होगा तो पक्का होगा, अगर नहीं होगा तो फिर नहीं होगा, चाहे आप किसी को भी मत ले जाना। तो दोस्तों सबकी हेल्प करना जिस प्रकार मैं आपको यूट्यूब पे बता रहा हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।